से एक बड़ी खबर, शिवपाल सिंह बड़ा बयान। मैनपुरी, नफीस अली, कन्नौज, बदायूं सहित प्रदेश की 80 सीटों पर लगेगा सेक्युलर मोर्चा। मुलायम सिंह होंगे मैनपुरी के सेक्युलर मोर्चा के प्रत्याशी। सभा या परिवार से सुलह का आता है कोई प्रस्ताव, उस पर नहीं होगा विचार। अब कदम आगे बढ़ा दिया गया है, अब आगे ही जाएंगे। बसपा जैसे सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से होगी गठबंधन की कोशिश। अखिलेश, डिंपल, धर्मेंद्र के खिलाफ सेक्युलर मोर्चा के प्रत्याशी उतारने पर बोले सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी विचारधारा बोले लोग नहीं जा सकते बीजेपी के साथ। मैनपुरी के करहल में पूर्व विधायक मानिक चंद यादव के आवास पर ही पत्रकार वार्ता। नेता आपके कैमरे में जाते नजर आ रहे हैं, ऐसा अब ये सीधा सीधा ये है कि वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, बस अपना अपना काम करो। कोई वाली बात इधर भी जाते हैं। आप पहली बार मैनपुरी में आए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक हैं, कौन कौन से विधायक हैं जो आपके साथ आ रहे हैं और आपके परिवार के लोग हैं, जितने बहन जी हैं, पिता जी हैं, ये मैं कहाँ है कि आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, हमने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है, मेरे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा नेता जी का आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद के बाद ही बना है उनकी राय। तो आप तो जानते हो और सुन चुके हो कि हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा है और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश समान विचारधारा के लोग और समान विचारधारा वाले दल उनसे बातचीत कर रहे हैं और बात करने के बाद जैसा कि आपने माननीय नेताजी को मोर्चे के अध्यक्ष का अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव दिया, तो नेताजी की तरफ से कोई इशारा मिला आपको अभी तक? अब मिलेंगे यहाँ जाने के बाद। कल मायावती जी ने कहा है कि सब सम्मान के साथ अगर कोई दूसरा दल हमारे साथ गठबंधन करता है तो हम उसके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। आपका क्या कहना है कि महागठबंधन महागठबंधन का? हाँ, थोड़ा सा बड़ा महागठबंधन महागठबंधन पूरा महागठबंधन खत्म होने के बाद गठबंधन की दोबारा से कायासन जो जारी चालू हुई है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने बहुत इंतजार के बाद और मैंने प्रयास भी किया था कि सब लोग एक रहे और अगर गठबंधन बन रहा था तो मुझसे भी बात करना चाहिए, तो हमसे बात करी नहीं किसी ने, और जब किसी ने बात नहीं करी है तो हमने अपना समाजवादी। आपके मोर्चे का असर कल मायावती की पीसी में देखने को मिला। मायावती ने कहा कि हमको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो हम गठबंधन बनाएंगे, तो अगर मायावती सपा से गठबंधन नहीं करती है तो क्या आप मायावती से गठबंधन करेंगे? देखिए, मैंने जो कहा कि समान विचारधारा के जितने भी दल हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे सबसे हम बात करेंगे और बात करने के बाद जो हमारे साथ बात करेगा और उसके लिए हमारे सभी दरवाजे खुले हैं और आए। अमर जी, 2019 में चुनाव कौन लड़ने की तैयारी है इसमें? देखिए, मैंने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा की तरफ से नेताजी को प्रत्याशी घोषित कर दिया था, वो हमारे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से चुनाव लड़े और अगर समाजवादी सेक्युलर मोर्चा से नहीं लड़ते हैं तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो हमारे समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का नेताजी को। अच्छा, 2019 में विरोधी पार्टियों का कहना है कि 2019 में आपकी कहीं पार्टी एक साथ ना हो जाए, सेक्युलर मोर्चा आपका खत्म हो जाए, कहीं एक साथ ना आप होते हुए 2019 में दिखाई दे। ये तो जनता है, देख रहे हो जनता। सर, सेक्युलर मोर्चा मैंने तो किसी को कहा नहीं था और हमारे कार्यक्रम परसों का भी देख लिया होगा, कल का फैजाबाद देख लिया होगा। हम बस इतना जानते हैं कि
उत्तर प्रदेश की जनता इतने हमारे साथ है कि केंद्र में जो भी सरकार बनेगी बिना समाजवादी सेकुलर मोर्चा के नहीं बने। अमर सिंह लगातार समाजवादी पार्टी को बाईएम पार्टी बीजेपी के लिए हिंदुत्व का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और समाजवादी सेकुलर मोर्चा समाजवादी पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं। उन पर क्या कहना चाह रहे हैं?